फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत एंड वेलकम टू माय चैनल द वर्किंग हाइपोथेसिस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो एग्रीकल्चर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आने वाले टाइम में यही जो टॉपिक है एलाइड एग्रीकल्चर, उसको कवर किया जाएगा, जैसे कि फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री, एपिकल्चर, इन सबको। तो आज हम एपिकल्चर कवर करेंगे। देखिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें एक रिसेंट जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब कि जो करंट है वो ट्रेंड क्या चल रहा है, और जो इससे इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को मिला के रखा है। तो पहले ये देखिए, ये फिगर है जो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बी के बारे में बताया है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, क्या थोरैक्स रीजन होता है, क्या अपडोमन रीजन होता है ना। और इसमें एक चीज़ ये भी पता होगी आपको कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वो किस चीज़ का बनता है, वो बी वैक्स का बनता है, तो ये भी पता होगा। और उसमें अरेंजमेंट कैसा होता है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, जिससे कि मैक्सिमम बी को अकोमोडेट किया जा सके, है ना। तो आइए पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं। वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हनी बीज आर बेस्ट सूटेड फॉर एपीकल्चर, है ना, कौन सी वैरायटी हनी बी की जो बेस्ट सूटेड है एपीकल्चर के लिए। तो देखिए, बेस्ट सूटेड का मतलब हम कमर्शियल एपीकल्चर की बात कर रहे हैं ना। पहला ऑप्शन हमारा एपिस मेलीफेरा, दूसरा इंडिका, तीसरा डोसाटा, चौथा फ्लोरिया, ठीक है। तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन वन, मेलीफेरा। मेलीफेरा को देखिए वेस्टर्न हनी बी भी बोलते हैं या यूरोपियन हनी बी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्जॉटिक है ना। देखिए, इंडिया में अभी करंटली ये चारों वेराइटीज मिलती हैं, पर मेलीफेरा इंडिजिनस नहीं है, ये बाहर से आई है ना। ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1987 में, बाकी की ये तीनों इंडिजिनस हैं, यहीं की हैं। इंडिका को तो ओरिएंटल हनी बी बोलते हैं, डोरसाटा को जायंट रॉक हनी बी, और फ्लोरिया को, मतलब फ्लोरिया जो होती है वो स्मॉलेस्ट हनी भी होती है ना। तो उसमें डोरसाटा और फ्लोरिया जो है वो फेरल है, फेरल मतलब कि इन द वाइल्ड, है ना, वाइल्ड में मिलती है। तो दूसरा हम क्वेश्चन पे आते हैं, वो है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, या इसको सीसीडी भी बोलते हैं, तो मैं इसको सीसीडी ही बोलूंगा। तो ये सीसीडी देखिए न्यूज में रहा था अभी, आपने अगर पढ़ा होगा कि यूरोप में नियोनिकोटिनॉइड्स की वजह से काफी बीज मर गई, तो फिर वो एक सीसीडी के तहत, मतलब सीसीडी डिसऑर्डर, एक डिसऑर्डर क्या होता है, देखिए डिसऑर्डर में और डिजीज़ में एक फ़र्क होता है ना, और वो डिजीज़ और डिसऑर्डर में फ़र्क जो था आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, सीसीडी में क्या होता है ना, इट व्हाट डज इट इन्वॉल्व। तो पहला है डिसअपीयरेंस ऑफ वर्कर बीज, दूसरा है डिसअपीयरेंस ऑफ क्वीन, तीसरा डिसअपीयरेंस ऑफ ड्रोन बीज, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए क्या डिसअपीयर हो जाता है इसमें, तो कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर में जो वर्कर बीज होती हैं, ठीक है, वर्कर क्या होती हैं, फीमेल्स होती हैं पर इनफर्टाइल होती हैं। क्वीन क्या होती है, फीमेल होती है, द ओनली फीमेल होती है जो फर्टाइल होती है, और ड्रोन्स क्या होते हैं, मेल होते हैं जो फर्टाइल होते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस से ड्रोन्स जो होते हैं वो निकलते हैं। तो इसमें वर्कर बीज जो होती हैं, जो जिनका काम होता है नेक्टर लाना, उससे फिर हनी मतलब बनाना, उसको ट्रांसफॉर्म करना हनी में, तो ये डिसअपियर हो जाते हैं। देखिए इसमें क्या, इसका सिम्टम क्या होता है, अगर जनरली क्या है कि अगर कोई भी देखिए छत्ता आपने देखा मधुमक्खी का, अगर उसमें फूड है ना, ब्रूट्स तो होते हैं, ब्रूट्स में बताऊंगा क्या होते हैं, फूड अगर उसमें है, ठीक है, और फिर भी अगर उसमें उसके आसपास डेड हनी बीज हैं, या उसमें आप देखें कि फूड तो है पर बहुत ज़्यादा मधुमक्खियाँ पलायन कर गई हैं, उस छत्ते को छोड़ के चली गई कहीं भी, ठीक है, तो उसका मतलब उसमें सीसीडी, कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, मतलब कि वो कॉलोनी कोलैप्स कर चुकी है, ठीक है। तो ये है, अब उसमें देखिए वर्कर्स चले जाते हैं, क्वीन जो होती है उसको वहीं छोड़ जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब वर्कर नहीं होंगे तो क्वीन जो है सर्वाइव कर नहीं पाएगी, तो या तो फिर कोई और कॉलोनी हमला कर देगी, या फिर उनके नेचुरल जो प्रेडेटर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप डेटा देखेंगे उठा के, तो विद इन सिक्स ईयर्स, मतलब 2007 से 13 तक, ठीक है, अबाउट 10 मिलियन बी हाइव्स, ठीक है, 10 मिलियन बी हाइव्स, बी हाइव्स मतलब छत्ते, वर लॉस्ट टू कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सीसीडी, है ना, कॉजेज क्या है सीसीडी की। तो पहला है देखिए वरोवा एंड एकेरपिस माइट, दूसरा है जेनेटिक फैक्टर्स एंड लॉस ऑफ हैबिटेट, तीसरा है नियो निकोटिनॉइड्स, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो पहला हम ऑप्शन लेते हैं इसमें, वरोवा एंड एकेरपिस माइट्स। देखिए ये जो फेरल वीज का एलिमिनेशन है, फेरल वीज मतलब कि जो वीज वाइल्ड में होती है ना, जिनको हम डोमेस्टिकेट नहीं करते, कल्टीवेट नहीं करते, वो उनको हम फेरल बीज बोलते हैं। तो उनको एलिमिनेट करने में ये माइट जो है, जो कि पैरासिटिक इन नेचर है,
उसका बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि जब वो वाइल्ड में तो उसमें कई कुछ हद तक ऐसा भी नहीं है, कुछ हद तक उसमें रेजिस्टेंस भी आ गई है फेरल बीज में वेरोवा और एकेरपिस माइट्स के प्रति। दूसरा है देखिए जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब होता है इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है। कुछ वैरायटी ऐसी होती है जिसमें जो जेनेटिक मेकअप ऐसा होता है कि उसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी कई चीज़ों के प्रति आती है और वो कॉलोनी कोलेप्स कर जाती है। तीसरा लॉस ऑफ हैबिटेट। लॉस ऑफ हैबिटेट का मतलब है डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितनी इकोलॉजी से संबंधित चीज़ें हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। चौथा है नियोनिकोटिनॉइड्स। तो नियोनिकोटिनॉइड्स देखिए क्या है, ये हम आगे कवर करेंगे अगले क्वेश्चन में, है ना। तो व्हाट आर नियोनिकोटिनॉइड्स? नियोनिकोटिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ, पहला इंसेक्टिसाइड, दूसरा हर्बिसाइड, तीसरा पेस्टिसाइड, चौथा वीडिसाइड, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है आंसर है वो है इंसेक्टिसाइड, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में आप देखिए फर्क क्या है। बेसिकली इंसेक्टिसाइड इज अ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड, है ना। तो मतलब कि पेस्टिसाइड एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर इंसेक्टिसाइड, एकेरिसाइड और जितनी भी मतलब चीज़ें हैं मारने में काम आती हैं तो वो इसके अंदर आती है, पेस्टिसाइड के अंदर। जब हम स्पेसिफिकली इंसेक्ट को मारने की बात करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड होती है, ठीक है। तो नियोनिकोटिनॉइड्स इज अ टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड। न्यूरो एक्टिव इंसेक्टिसाइड मतलब न्यूरो एक्टिव मतलब कि उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंसेक्ट्स के अटैक करती है, ठीक है। तो उसमें कुछ नियोनिकोटिनॉइड्स से जो भी काफ़ी चर्चा में रहा है, इसमें यूरोपियन यूनियन ने 3 नियोनिकोटिनॉइड्स बैन किए हैं आउटडोर यूज़ के लिए, ठीक है। तो अभी 2018 में हाल ही में बैन हुए हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए नियोनिकोटिनॉइड्स की फैमिली में आता क्या क्या है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इमिडोक्लोप्रेट। इमिडोक्लोप्रेट आपने सुना होगा, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड इंसेक्टिसाइड इन द वर्ल्ड है, ठीक है, इमिडोक्लोप्रेट। और तीसरा दूसरा है इसमें थायामेथोक्सेम, ठीक है, थायामेथोक्सेम भी आपने सुना ही होगा। तो ये इस तरीके के मतलब जो केमिकल्स हैं वो उसके फैमिली में आते हैं, और ये इमिडोक्लोप्रेट को भी यूरोपियन यूनियन ने आउटसाइड यूज के लिए बैन किया है, और यूएस के भी कई स्टेट्स में इसको बैन किया जा चुका है आउटसाइड यूज के लिए, क्योंकि ये इसने काफी मतलब मिलियंस ऑफ हनी बीज को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था, है ना। फिर इसमें देखिए इस यूज क्यों करते हैं फिर हम नियोनिकोटिनॉइड्स, क्यों नहीं हम कोई और इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं? तो उसका एक रीजन ये है कि जो नियोनिकोटिनॉइड्स हैं वो एज कम्पेयर टू अदर इंसेक्टिसाइड जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट या फिर कार्बामेट, ठीक है, इनके कंपेरिजन में इनमें लो मेमेलियन टॉक्सिसिटी एंड लो एवियन, एवियन मतलब कि बर्ड, ठीक है, टॉक्सिसिटी होती है, लेकिन इंसेक्ट टॉक्सिसिटी हाई होती है। तो मतलब कि जो इनका पर्पस है इंसेक्ट को मारना वो बखूबी करते हैं, और बाकी के ये कंपेटिवली सेफ तो नहीं कहेंगे पर ये कंपेटिवली दूसरे इंसेक्टिसाइड के मुकाबले ये सेफ हैं। लेकिन अब एक चीज़ आप ये भी जानते ही हैं कि जब इंसेक्ट की पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली बर्ड्स की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी, है ना। तो अच्छा अब देखिए इसमें क्या है कि नियोनिकोटिनॉइड्स जो है वो क्या करता है ना, पहले काम कैसे करता है। तो सारे के सारे इंसेक्टिसाइड है वो क्या करेंगे, वो ब्लॉक करते हैं। किस एंजाइम को ब्लॉक करेंगे? एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस को, ठीक है, एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से वो कोलाइन और एस्ट्रेस में नहीं टूट पाएगा, ठीक है। तो दो तरीके होते हैं इसको ब्लॉक करने की, या तो रिवर्सिबल ब्लॉकिंग होगी या इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग होगी। तो अगला क्वेश्चन वो हमारे इसी से रिलेटेड है कि इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलीन एस्टरेज एग्जीक्यूटेड बाय, ठीक है, कौन करता है? मतलब तो नियोनिकोटिनॉइड्स, दूसरा कार्बामेट्स, तीसरा ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, चौथा है बोथ वन एंड थ्री। तो इसका आंसर है बोथ वन एंड थ्री, क्योंकि जो कार्बामेट है वो रिवर्सिबल ब्लॉकिंग करता है इस एंजाइम की, है ना, तो वो इरिवर्सिबल ब्लॉकिंग नहीं करता। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है कि ये डायरेक्टरेट ऑफ हनी बी कहाँ पर है ना। तो डायरेक्टरेट ऑफ बी कीपिंग, अगर हम बात करें कि बी कीपिंग कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन है मुंबई, कोची, मदुरई, बेंगलोर, तो इसका आंसर है मुंबई, है ना। फिर अगले क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज इन हनी बी, ठीक है। तो हनी बी के अंदर जो इसमें हमने डिजीज कवर की हुई है तो बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? पहला अमेरिकन फाउल ब्रूड, ठीक है, दूसरा यूरोपियन फाउल ब्रूड, तीसरा चॉक ब्रूड और चौथा स्टोन ब्रूड। देखिए ब्रूड क्या है, ब्रूड जो है बी कीपिंग में ब्रूड जो टर्म होता है वो एग लार्वा या प्यूपा के लिए यूज होता है, ठीक है, उनको ब्रूड बोलते हैं, है ना। तो इसमें कौन सी फंगल डिजीज नहीं है? तो पहला अमेरिकन फाउल ब्रेड जो है वो ऑफकोर्स है फंगस से ही होती है ना, और ये कहाँ पर एक्चुअली कहाँ पर होती है, मोर प्रोमिनेंट होती है टेम्परेट एरिया में या सब ट्रॉपिकल में जहाँ पर हाई टेम्परेचर ना हो, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका सिम्टम क्या है कि जो डिजीज लार्वा है
उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मली क्या होता है, पर्ली वाइट, पर्ली मतलब मोती जैसा होता है ना वाइट, उस तरीके का, उससे वो क्रीमिश ब्राउन और फिर और ज्यादा डार्क होता चला जाएगा। तो ये इसके लक्षण होते हैं। दूसरा है यूरोपियन फाउल ब्रूड। यूरोपियन फाउल ब्रूड भी देखिए, ये मेलिसो कोकस और प्लूटोनिस जो है एक फंगस है उसके द्वारा ही होता है, सॉरी ये बैक्टीरिया उसके द्वारा ही होता है, ठीक है। कोकस है तो इस ऑफकोर्स इट इज अ बैक्टीरिया, है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज की हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिएगा अगर मैंने फंगस टर्म यूज किया हो यहाँ पर, है ना। ये जो अमेरिकन फाउल ब्रूड था वो भी बैक्टीरियल डिजीज है, और यूरोपियन फाउल ब्रूड जो है वो भी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ये जो पैथोजन है मेलिसोकोकस, ये इन्वेट करता है मिडगट, ठीक है, जो लार्वा की मिडगट है उसे इन्वेट करता है और उसमें मल्टीप्लाई करेगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और फॉल ब्रूड में क्या होता है कि मतलब इससे हम बचते कैसे इन दोनों से, तो सिंपल एक तरीका होता है फॉर्मेलिन का स्प्रे, ठीक है, फॉर्मेलिन का स्प्रे आप कर सकते हैं इसमें। और दूसरा क्या है कि दूसरा फिर और जो है सैनिटेशन मेजर्स हम इसमें ले सकते हैं, जैसे कि एक तो डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी आप लगाइए, ठीक है, मतलब मोर ओरिएंटल वेराइटीज है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तीसरा चॉक ब्रूड, देखिए चॉक ब्रूड क्या है, ये चॉक ब्रूड जो है वो फंगल डिजीज है ना, एस्कोफेरा एपिस से होती है। तो एस्कोफेरा एपिस जो होती है ये मोस्ट प्रेवलेंट होता है स्प्रिंग सीजन में, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, जब ब्रूड जो होता है वो एक्सपेंड करता है ना, और जो वेंटिलेशन होता है, देखिए जितना ज़्यादा वो एक्सपेंड करेगा उतना उसका वेंटिलेशन पुअर होगा, है ना, और बीज को टेम्परेचर भी मेंटेन करने में मुश्किल आएगी जब वो एक्सपेंड करेगा, तो उस टाइम इसकी चॉक ब्रूड की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। इसको चॉक ब्रूड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो डिजीज लार्वा होती है, ठीक है, जब वो मर जाता है तो वो चॉक वाइट कलर का होता है और उसकी जो बॉडी होती है वो कॉटनी फिलामेंट, ठीक है, रेशेदार मतलब वाइट कलर के कॉटनी फिलामेंट से ढकी होती है, इसीलिए वो वाइट अपियरेंस की वजह से इसको चॉक ब्रूड कहते हैं। फिर अगला है स्टोन ब्रूड, ठीक है। स्टोन ब्रूड जो है वो भी देखिए फंगल डिजीज है, ये एस्परजिलस फ्लेवस से होती है, एस्परजिलस फ्लेवस जो कि आपको पता है सॉइल बॉर्न फंगस है, ठीक है। इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए स्पोर्स इसमें जो होते हैं वो इन्फेक्ट करते हैं जो लार्वा को, और उसमें कॉलर लाइक उसके जो जो उसका हेड होगा उसके अराउंड जो है वो कॉलर लाइक रिंग बना लेंगे, ठीक है, ये इसका एक सिम्टम्स है, ठीक है। और जब वो कॉलर अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी जब लार्वा की, तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा और वो इतना हार्ड हो जाएगा कि उसको क्रश करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए उस डिजीज़ का नाम है स्टोन ब्रूड, ठीक है। अब ये फंगल से हमारा मैनेजमेंट क्या होता है, फंगल में मैनेजमेंट हम जो करते हैं वो देखिए केमिकल कंट्रोल कोई नहीं है, आप वेंटिलेशन को इम्प्रूव करिए, जैसे चॉक ब्रूड के केस में हमने देखा वेंटिलेशन जो है उसको इम्प्रूव करना एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा क्या है कि ह्यूमिडिटी को डिक्रीज मतलब ह्यूमिडिटी को घटाइए, क्योंकि फंगल डिजीज जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है वैसे वैसे फंगस का खतरा बढ़ता है, ठीक है। और डेड लार्वा को रिप्लेस कर दीजिए, डेड जो डिजीज ब्रूड्स हैं उनको हटा दीजिए, ठीक है। और जो फीड है अगर वो आप देख रहे हैं कि जैसे स्टोन ब्रूड है या चॉक ब्रूड के केस में, तो गुड क्वालिटी फीड सप्लाई कीजिए जिससे ये चीज़ें बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट अ वायरल डिजीज इन हनी बी। तो पहला सैक ब्रूड, दूसरा सैक थाई ब्रूड, तीसरा है क्रॉनिक बी पैरालिसिस और चौथा है स्टोन ब्रूड, है ना। तो सैक ब्रूड देखिए, सैक ब्रूड जो है वो वायरल डिजीज ऑफ कोर्स, और ये मेलीफ्लोरा को अफेक्ट करता है। तीसरा है थाई सैक ब्रूड वायरस, ठीक है, TSBV कहते हैं हम इसको, ये एपिस इंडिका या एपिस सेराना, ठीक है, उनको अफेक्ट करता है। और ये इसमें क्या होता है कि हेड और थोरेक्स का जो रीजन होता है वो डार्कर हो जाता है, ठीक है, थाई वाली डिजीज में। तीसरा जो है वो है क्रॉनिक बी पैरालिसिस, ठीक है। क्रॉनिक बी पैरालिसिस में क्या होता है कि इसमें हेयरलेस ब्लैक बी सिंड्रोम, ठीक है, इसको मतलब इस डिजीज में हेयरलेस ब्लैक बी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। और चौथा है स्टोन ब्रूड, तो आपको पता ही स्टोन ब्रूड, स्टोन ब्रूड क्योंकि फंगल है ना, एस्परजिलस फ्लेवस से होती है। फिर आइए कि अगला क्वेश्चन जो है वो है लोन प्रोवाइडेड फॉर एपिकल्चर कम्स अंडर, है ना। तो देखिए इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोन, मीडियम स्केल इंडस्ट्री लोन, लार्जर स्केल इंडस्ट्री लोन, नन ऑफ द वो। तो ये आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोन, मतलब 2 लाख से लेके 5 लाख तक का इसमें लोन होता है ना, तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोन के अंडर में आता है। देखिए फिर उसके बाद आप अगला क्वेश्चन जो हम इंक्लूड कर रहे हैं वो ये मधुमक्खी का पालन स्कीम, ठीक है। ये जो IDBI ने स्टार्ट की है, तो इसमें ये लोन जो होता है वो किसको प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन है
इंडिविजुअल फार्मर, फिर नॉन फार्मर्स, तीसरा है एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो उसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये चाहे इंडिविजुअल फार्मर हो, चाहे नॉन फार्मर हो, या फिर एनजीओ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, सबको ये लोन देता है। देखिए इस लोन का खास बात क्या है, इस लोन में 35% सब्सिडी होती है गवर्नमेंट की। ठीक है, जो कि हमें किसके थ्रू लेनी पड़ती है, केवीआईसी है ना, और केवीआईबी मतलब कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन या इंडस्ट्रियल बोर्ड। ठीक है, इनके थ्रू हम सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। रीपेमेंट पीरियड इसमें होता है 5 से लेकर 7 साल का, और गेस्टेशन पीरियड होता है 11 महीने का। गेस्टेशन मतलब कि विद इन विच नो इकोनॉमिकल आउटपुट इज पॉसिबल, है ना, कि ये टाइम इतना होता है कि आपको इस टाइम कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉफिट या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आपको मिलने वाली। तो ये गेस्टेशन पीरियड इसमें 11 महीने का होता है, और ये स्कीम को, मधुमक्खी का पालन स्कीम को स्टार्ट एटलीस्ट 10 बॉक्सेस से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब फिर आ जाते हैं सेंट्रल बी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। तो इसका आंसर है पुणे में, ये 1962 में आया था। ठीक है, पुणे में। और देखिए इसके अलावा जब हम देखते हैं, डायरेक्टरेट हमने देख लिया इसका, सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख लिया, इसके अलावा 15 स्टेट बी कीपिंग एक्सटेंशन सेंटर्स भी हैं, है ना, 15 स्टेट बी कीपिंग एक्सटेंशन सेंटर्स और। फिर आइए देखिए एवरेज यील्ड ऑफ हनी पर बॉक्स, है ना, एवरेज यील्ड ऑफ हनी पर बॉक्स कितनी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 25 kg है, 35, 40, 50। ठीक है, तो इसका आंसर है 40 kg, है ना, 40 kg का इसमें एवरेज आता है। और एक सिंगल बॉक्स में कितनी हनी होती है, तो सिंगल बॉक्स में होती है नियर अबाउट 5000 to 7000 हनी बीज। ठीक है, तो दैट्स ऑल। और इसके बाद देखिए कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है जो उन्होंने हनी बी के बारे में कहा था कि अगर हनी बी ख़त्म हो गई तो अगले 4 सालों में हम भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि डेफिनेटली आपने देखा होगा कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से वो प्लांट्स हैं एक्सक्लूसिवली, जैसे कॉफ़ी है ना, एवोकाडो है, जिसको केवल हनी बी पॉलिनेट करती है, या मेजर पॉलिनेटर इनका हनी बी है, जो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन, उसको एंटोमोफिली कहते हैं। और कौन से ऐसे हैं, ओकरा है, वेजिटेबल, और कई है, आप एक लिस्ट बना के अगर बता सकते हैं तो अच्छा होगा कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिन्हें हनी भी पॉलिनेट करती है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं कोई और ऐसे ही अलाइड सेक्टर से कुछ और क्विज या फिर कुछ और क्वेश्चन आंसर आपके सामने रखूंगा। टिल देन थैंक यू, और इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।